आज हम लोग बात करेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात जब आप किए होंगे तो किसी ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं उसकी बात। सिंपल सी जैसे है ना कि आपके घर में कितने लोग हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 101 लोग मान लीजिए आपके परिवार में। तो किसी के यहाँ 3 भी लोग हैं, कोई 2 ही है, कोई कोई अकेला ही रह रहा है, आजकल एक फ्रेंड आ गया है नया, तो कितने लोग हैं ये तो रहा। अब ये जो लोग हैं इनका आप बड़ी आज इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे कि जैसे 1-2 यू कैन सी द 1-1 करेस्पॉन्डेंसी बिटवीन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड आवर पर्सनल आइडेंटिटी। जैसे आप अपनी आइडेंटिटी कब पाते हैं आप देखिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक बच्चा, जैसे अगर हम लोग 3 बच्चों की बात करें, ठीक है ना, ये 3 बच्चे हैं और एक जो है आईआईटी जैन अपने पहले अटेम्प्ट में लिया, जैसे बीएससी थर्ड ईयर में ही है ले गया, दूसरा ऐसी एग्जाम को बीएससी के बाद आफ्टर बीएससी 2 अटेम्प्ट ले लिया और तीसरा है आफ्टर बीएससी, ठीक है ना, ये मान लेते 3 अटेम्प्ट। तो 3 अटेम्प्ट लेना, 2 अटेम्प्ट लेना, 1 अटेम्प्ट लेना है, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो जैन की बात है। अभी आप देख रहे होंगे जो यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है आईएएस का, है ना, उसमें आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे जो पहले अटेम्प्ट में होते, कुछ दूसरे में होते, कुछ तीसरे में होते, कुछ चौथे में होते हैं, कुछ बच्चे 8वें में भी हो रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे 9वें अटेम्प्ट में भी होते हैं। तो जैसे जो पहले में हुआ वो आगिस बना, तो अब उसकी आइडेंटिटी क्या होगी आगिस आइडेंटिटी, तो ये एक ही बार में आगिस बन गया और ये 3 साल 3 अटेम्प्ट, इन्हें 4 अटेम्प्ट लगा, 2 अटेम्प्ट लगा, 9 अटेम्प्ट लगा, 8। लेकिन फाइनाइट के केस में अगर आप इस दुनिया में हैं जहां पर हम लोग फाइनाइट की बात करें, तो इसमें अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे हैं कंसिस्टेंट, आज आपको मैथमेटिक्स से सिखाएगी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे इसको, तो अगर आप कंसिस्टेंट लगे हुए हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको आपकी आइडेंटिटी मिल जाती है। बट ये है कि आइडेंटिटी लेने के लिए आपको अपने पोटेंशियल का मल्टीपल करना पड़ता है। अब वो इंटीग्रल मल्टीपल करना है या फिर पावर में लेना है या एन टाइम्स ऐड करना, तो आइडेंटिटी मिलती है जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद। आइडेंटिटी तो चाहिए ना, आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि समाज ने आपको अपनी आइडेंटिटी बनाना है, अपनी पहचान चाहिए। अब तू मेरी पहचान बनेगी, मैं तेरी पहचान ही नहीं, अब आपको पहले अपनी पहचान। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी, आप लिख सकते हैं कि इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इसलिए कभी भी आप देखेंगे ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ ग्रुप 0 नहीं हो सकता, इंटी नहीं रहता। तो इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, अब 2 केस होगी जिसको आपने पढ़ा है अभी तक। पहला कि अगर बाइनरी ऑपरेशन सिंपल एडिशन है, उसे जोड़ रहा है, तो अगर सिंपल एडिशन है तो करेक्ट, उस केस में n इंटू ए इज 0, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है एडिशन की केस में, आइडेंटिटी क्या है 0। आपने पहली क्लास में पढ़ा कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप ये कह रहे हैं कि हम a को
एन इंटू ए, एन इंटू ए का मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन टाइम्स दिस इज इक्वल टू व्हाट जीरो। ए को ए में, ये जीरो ऐसे नहीं देखेगा, आइडेंटिटी है। तो ए को ए में कम से कम कितनी बार जोड़े कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो जैसे दो रुपए को, दो रुपए में कम से कम कितनी बार जोड़े कि सौ हो जाए, पचास बार, है ना। पांच रुपए को पांच रुपए में कम से कम कितनी बार जोड़े कि सौ हो जाए, सेम यही चीज चल रहा है। अब यहां सौ नहीं बनाना है, यहां आइडेंटिटी लाना है अपनी। तो करेंगे ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, आर यू कैन से स्मॉलेस्ट नेचुरल सच दैट व्हेन बाय द ऑपरेशन इज एडिशन एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। मीन्स ए को ए में कम से कम कितनी बार जोड़ दें कि आइडेंटिटी आ जाए। दूसरा है कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन का है तो ए पावर एन कर देने पे वन वन, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है ना। तो ए पावर वन एन कर दे तो वन आ जाए। मीन्स ए को ए में मल्टीप्लाई करना, ए को ए में मल्टीप्लाई करना और ए को ए में जोड़ना अलग अलग, ठीक है ना। जैसे ए को ए में दस बार जोड़े तो टेन टाइम्स ए हो जाएगा, बट ए को ए में अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ए पावर 10 हो जाएगा। तो ये तो रहा सिंपल के केस में कि अगर एडिशन है तो एन इंटू ए क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। मीन्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट प्लस एन टाइम्स दिस गिव्स जीरो, देन एन इज ऑर्डर ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी। If there exists no such small n, अगर आप ऐसा कोई n पाते ही नहीं है, means कोई ऐसा n नहीं मिलता, then करेंगे if there exists no such n belonging to set of natural number, then order of e is what? बड़ा ये interesting है और disputed है कि जब हम आर्डर की बात करते हैं तो कहते हैं कि आर्डर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जब आर्डर को स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहते तो फिर इंफिनिटी कैसे होता है। लेकिन ये कहा गया कि अगर ऐसा एन नहीं मिलेगा तो हम मान लेंगे कि आर्डर क्या है, लेकिन फाइनाइट ग्रुप के केस में अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका आर्डर मिलेगा ही मिलेगा। तो एक लाइन बस आप समझिएगा कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट इन केस ऑफ एडिशन एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आइडेंटिटी। मींस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स दिस गिव्स जीरो, देन ऑर्डर इज एन। एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ए पावर एन इज इक्वल टू वन। तो ए पावर एन इज इक्वल टू वन का मतलब ये हुआ ना, ए पावर एन वन, इट मीन्स व्हाट, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट ए कितनी बार, एन टाइम्स एंड दिस गिव्स वन। बट अभी हम लोग तो ऑपरेशन और देखेंगे जिसमें मॉड्यूलर ग्रुप की बात करते हैं कि एडिशन मॉड्यूलो समथिंग एम एन आर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, प्रोसेसिंग सेम रहेगी। तो एक एग्जांपल आप देखिए छोटा सा, छोटा सा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन। जैसे हम लोग लें कि लेट लेट जी इज दिस जेट, लेट जी इज सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर है तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है क्योंकि एडिशन में ही ग्रुप पालन करता, अदरवाइज तो करता नहीं। अब जेड को आप देखेंगे तो ये सारा है ना डॉट डॉट डॉट, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन
टू थ्री डॉट डॉट दिस, ये इसके एलिमेंट है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि जीरो का आर्डर क्या हो, व्हाट इज आर्डर ऑफ दिस जीरो, ठीक है, तो कह रहे कि वो स्मॉलेस्ट चाहिए, ध्यान रखिएगा, एन इज द स्मॉलेस्ट, है ना। तो कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है जिसको जीरो में मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो ही आए, क्योंकि एडिशन की केस में आइडेंटिटी क्या है, जीरो। एडिशन की केस में आइडेंटिटी क्या है, जीरो। आइडेंटिटी का मतलब कि अगर ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट में जैसे जी है, इसकी अगर आइडेंटिटी बी है, तो कह रहा है कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, ए प्लस बी इज ए, सेम एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी तो वही है। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि जीरो में वन इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, टू इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, थ्री इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, फोर इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, फाइव इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, एंड ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर क्या है, स्मॉलेस्ट होता है। तो जो स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, वन। इसलिए ऑर्डर ऑफ जीरो इन जेड, ऑर्डर ऑफ जीरो इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज वन, वन वन इंटू जीरो इज जीरो, टू इंटू जीरो इज जीरो, थ्री इंटू जीरो इज जीरो, एंड डॉट। बट द स्मॉलेस्ट ऑफ क्या है, वन है, और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन होता है। जैसे भारत की आइडेंटिटी कौन है, जैसे जितने भी चीजें होती है उसमें मोहर किसकी, सिग्नेचर किसकी होती है, फाइनल प्रेसिडेंट आती है। और जब भी जनगणना होगी ना तो काउंटिंग वहीं से होती है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो कौन, प्रेसिडेंट होते हैं, वहां से शुरुआत होती है ना। तो आइडेंटिटी है, तो जो आइडेंटिटी उसका ऑर्डर कितना होगा, वन होगा, तो ऑर्डर वन है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ दिस वन, वन बिलोंगिंग टू जेड, इस वन की बात। तो अब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये आपका नेचुरल नंबर है एन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको वन में मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो आ जाए, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है। आप समझ रहे हैं करके, इस नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है छोटा से छोटा जिसको वन में मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए। नेचुरल नंबर होना चाहिए, जीरो मत ले लीजिएगा, जीरो इंटू वन इज जीरो, ऑर्डर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स आप जीरो नहीं ले सकते उसको, ना तो नेगेटिव ले सकते। तो क्या इस नेचुरल नंबर में कोई एक नंबर ऐसा है जिसको वन में मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए, बोलिए, देख लीजिए इसमें से। वन इंटू वन जीरो होगा, नहीं होगा। टू इंटू वन नॉट इक्वल टू जीरो, थ्री इंटू वन नॉट इक्वल टू जीरो, फोर इंटू वन नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स देयर एग्जिस्ट नो एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एन इंटू वन इज जीरो। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, और आपने लिखा कि अगर ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो ऑर्डर क्या लिख देंगे, इफ देयर इज नो सच नेचुरल नंबर और देयर इज नो सच पॉजिटिव इंटीजर देन ऑर्डर इज इनफिनिट। नाउ थिंक अबाउट ऑर्डर ऑफ टू, ऑर्डर ऑफ दिस टू। अब करें कि इस नेचुरल नंबर से वो कौन सा नंबर है जिसको टू में मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो हो जाए, फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केस केवल मॉडुलर के केस में आ रहे हैं। मॉडुलर, मॉडुलर जब आप जेडन की बात करेंगे तो जेडन में ऐसा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज जीरो। मैट्रिसेस के केस में भी हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी नॉन जीरो इंटीजर को, किसी नॉन जीरो इंटीजर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
इसका मतलब किसी नॉन जीरो इंटीजर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल, किसका मतलब कि जीरो को छोड़ करके इंटीजर जितने भी इंटीजर है सबका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो जीरो को छोड़ दिया जाए तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ टू इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ थ्री इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ फोर इज इनफाइनाइट। इट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग दैट इफ की इफ नॉन जीरो की belonging to Z, then order of this key is what? ठीक है ना? तो इस Z में केवल एक element ऐसा है जिसका order क्या है? अब आप इसमें देखिएगा बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और यहीं से बनते हैं इसी तरीके की केस से। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया है this Q with respect to addition, rational की बात करेंगे तो rational की बात करेंगे तो since Z is fully contained in Q, है ना, fully contained डूबा हुआ है, तो means Z क्या करेगा, पूरी तरीके से Q के अंदर डूब जाता है। तो Z में केवल जीरो है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, बाकी जितने इंटीजर है सबका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो ऐसे क्यू के जितने भी एलिमेंट है, क्यू के ऐसे जितने भी एलिमेंट है जो नॉन जीरो इंटीजर है उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। क्यू के ऐसे जितने भी नॉन जीरो इंटीजर की बात हम कर रहे हैं, इंटीजर है उनका ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ। बाकी जो इंटीजर नहीं है, जैसे ये हुआ क्यू वन बाई टू, 1 by 2 is element of this cube, rational number है ना 1 by 2, and order of this 1 by 2, तो क्या इसमें ऐसा कोई natural number है जिसको 1 by 2 में, आप खुद से पूछ लीजिए, पूछा करिए, is there exist any and belonging to set of natural numbers such that n into 1 by 2 जीरो। खुद से पूछा एक बार, मैंने एक बड़ा अच्छा गाना था, क्या मेरी तरह खुद भी तड़पता है, गाना मैं सुना कर लिया पूछा यूट्यूब में, वो जो आप देखते हैं ना उससे अच्छा गाने सुना। तो आप जब पूछेंगे ना कि इज देयर एग्जिस्ट एनी एन बिलोंगिंग टू, मीन्स क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको 1 बाई 2 में मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए, आपका आंसर फिर आएगा नो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर। आपके दिमाग में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। n इंटू हाफ करने का मतलब यही है कि क्या 1 बाई टू को 1 बाई टू में जोड़ने पे जीरो आ सकता है, या कितनी बार जोड़ें कि जीरो आ जाए। तो आपका आंसर होगा कि आप जब जोड़ेंगे तो जीरो थोड़ा नहीं आएगा, चाहे जितनी बार जोड़े। Order n is the least positive integer such that n into a is equal to identity in case of addition, or n into a in case of addition का मतलब क्या था? a plus a plus a plus a plus n times। तो इसका मतलब जो 1 by 2 है इसका वैल्यू कितना है? इनफिनिटी। 1 by 2 का ऑर्डर इनफिनिट है, सिमिलरली 1 by 3 का ऑर्डर कितना होगा? इनफिनिटी, है ना। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्यू में भी केवल जीरो ऐसा होगा, क्यू में भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फाइनाइट फाइनाइट, अदरवाइज ऑल ऑर्डर ऑफ दिस पी बाई क्यू बिलोंगिंग टू दिस क्यू इज इनफाइनाइट, वेयर पी बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसको कुछ दिनों के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन की बात है, फिर तो क्या होगा धीरे धीरे आपके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग आर की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो सेट ऑफ रियल नंबर में भी आप पाएंगे चूंकि क्यू क्या आर में कंटेंट है,
पूरी तरीके से डूबा हुआ आपके। तो जितने भी रैशनल है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, केवल एक ही रैशनल ऐसा है जीरो जिसका ऑर्डर वन होगा। अब एक ही रैशनल है जीरो जिसका ऑर्डर वन है, तो बाकी जो ई रैशनल है, कक्षा नाइन्थ में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा आप कुछ भी नहीं कि बहुत बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे नहीं होता है लोग बोलते हैं अरे बधाई हो, बधाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप ये वर्ड नहीं सुने हो और सामने से आकर के कोई बोल दे कांग्रेचुलेशन, लगता है कुछ अच्छा ही बोले बट कुछ बोले, है ना। तो यही चीज है जो आप वहां से पढ़ के आए हैं ना, उसे यहाँ पे टीचर खड़ा होगा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देगा क्योंकि इंग्लिश में ही चल रहा है। तो आप बोलते आर्डर 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 चल क्या रहा है ना। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि व्हेन टू सम ऑफ टू इरेशनल्स, सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ट्रू और फॉल्स, सम ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज इरेशनल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सम ऑफ टू इरेशनल्स इज नॉट ऑलवेज इरेशनल्स। जैसे रूट टू माइनस रूट टू दोनों डिफरेंट इरेशनल्स है, बट इनका सम क्या होगा? लेकिन आप ऐसे देखेंगे क्या, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको इरेशनल में मल्टीप्लाई कर दें तो रैशनल बन जाए, नेचुरल नंबर? क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको इरेशनल में मल्टीप्लाई करें तो रैशनल बन जाए? आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो रैशनल हो ही नहीं सकता, तो फिर जीरो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो तो रैशनल में आता है। तो आप खुद से पूछ सकते हैं ऐसा, क्योंकि क्यू, देखिए शॉर्ट कट समझने के लिए, क्यू इज फुली कंटेंडिंग आर। अगर यहाँ पे इक्वल साइन लगाया जाता तो एक होता है कि बराबर भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या पूरा डूबा हुआ है, सुनिए जी चाहता है डूब जाऊं, डूबेंगे नहीं। तो क्यू इज कंटेंड इन आर एंड ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो पी बाई क्यू बिलोंगिंग टू दिस की इज व्हाट इन एंड ऑर्डर ऑफ जीरो इज वन। तो ऑर्डर ऑफ जीरो इज वन, ऑर्डर का एडिशन की बात चल। तो अब अपना क्वेश्चन ये है, इज देयर एनी ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एन इनटू इरेशनल्स, ऐसे वर्ड में लिख दे रहे हैं इरेशनल इज रैशनल। क्या ऐसा कोई रैशनल मीन्स आप सीधे जीरो कर दे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, हम रैशनल के पास ही हो जाए। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको इरेशनल में मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए? आपका आंसर क्लियर होगा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ इरेशनल्स इज इनफाइनाइट। इसका मतलब इस आर में भी केवल एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो रहा है, इस आर में भी केवल एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो रहा है। मीन्स इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, Q with respect to addition, R with respect to addition, only order of 0 is 1 and others of order infinite. Inc. उसमें इंक दिख रहे। तो ये रहा, अब आप बात करेंगे C. बड़ा ये इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है कि आप पाए, है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को इससे कैपिटल सी से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल सी लिखेंगे ना तो हो सकता है बहुत जगह पे जो पैरामीटर या कांस्टेंट सी लेंगे उससे ये मैच करेंगे। तो सी
अब सी को सीट आप कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि जीरो इज कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटी, इफ जेड इज कॉम्प्लेक्स देन माइनस जेड इज कॉम्प्लेक्स एडिटिव इनवर्स एंड सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स क्लोजर एंड कोई तीन कॉम्प्लेक्स उठाएंगे एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। तो जैसे कुछ लिखा जाए ना कि अगर हम लिखेंगे लेट सी बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप उन चार जो प्रॉपर्टी उसकी है ना, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, ये आपको दिखना चाहिए। जैसे ये नहीं कि हम यार लिख के चले गए और आप याद कर लिए, याद नहीं करिए। तो आप दिस इज सी, अब आप देखिए सिंस आर इज फुली कंटेंड इन दिस सी, तो जितने भी रियल है एडिशन के रिस्पेक्ट में केवल एक रियल ऐसा है जिसका आर्डर फाइनाइट है वन, केवल एक ही रियल ऐसा है ना जिसका आर्डर क्या है वन है, बाकी जितने भी रियल है आइदर दे आर रैशनल और इरैशनल, बोथ हैव इनफाइनाइट आर्डर, तो केवल एक है। तो जब आप सी को लिखते हैं सी के एलिमेंट को जेड इज व्हाट एक्स प्लस आई वाई, तो अगर हम रियल की बात करेंगे ठीक है ना, इफ वाई इज इक्वल टू जीरो तो जेड इज व्हाट एक्स मींस आर रियल हुआ, ये विराम को आपने लिखेगा इज रियल, इज रियल रियल हो गया। और रियल के केस में क्या ऐसा भी जो रियल है उसमें केवल एक रियल ऐसा जिसका आर्डर वन आता है फाइनाइट, बाकी तीन फाइनाइट था भी आप लिखे मीटा लिखे जीरो। तो इसका मतलब हम लोग इसकी बात करें जैसे आई, इसे आयोटा भी बोलते हैं आपको, हम लोग चूंकि जब पढ़े तो सब लोग आई आई पढ़ाए तो आई आई पढ़ाए, तो आई तो एलिमेंट है ना सी का कॉम्प्लेक्स, आई को आप लिखेंगे दिस आई जीरो प्लस आई इंटू वन, आप आयोटा बोलते हैं। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर मीन्स क्या आई को आई में जोड़ते जाए तो हमें जीरो आएगा? नहीं आएगा। आई में आई को चाहे जितनी बार जोड़े आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कुछ जगहों पे जो दादी या माँ होती है उनको भी आई बोला जाता है ना, महाराष्ट्र में साउथ साइड, तो आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई जीरो होगा? नहीं जीरो होगा। तो आई प्लस आई जीरो नहीं हो रहा है तो कह रहे कि देयर एग्जिस्ट नो एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। सच नेचुरल नंबर जब बोला जाए ना तो तुरंत बेकार। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना, मैथमेटिक्स सीखना, मैथमेटिक्स लिखना और मैथमेटिक्स देखना अलग अलग, आप उसको देखिए। जब जैसे अगर आप देख लेंगे ना, देखना घूरना अलग अलग होता है, बल्कि देखने से भी ज्यादा आप घूरिए मैथमेटिक्स इन जनरल, किसी को रास्ते चलते हुए घूरिएगा नहीं, देख सकते हैं, देखना बुरी बात है लेकिन घूरना बुरी बात है। अब मैथमेटिक्स में कहते हैं घूरिए, जैसे हमने कहा कि एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको तुरंत रिकॉल हो पीछे से जिसने तब बेल बज रही हो कि अच्छा 1 2 3 4 5 ये होगा, तो ये करें क्या ऐसा 1 2 3 4 5 मिल रहा है। हम लोगों ने तो लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट नो एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एन इनटू आई इज इक्वल टू जीरो, इट मींस व्हाट ऑर्डर ऑफ दिस आई इज इनफाइनाइट, अगर कोई एन नहीं मिलेगा तो क्या होगा इनफाइनाइट। तो सी के भी केस में आप देखेंगे कि केवल ये केवल आई से हम लोग नहीं कंक्लूड कर रहे, केवल आई की वजह से आप कंक्लूड नहीं कर रहे, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स उठाएंगे जैसे 1 + i आर्डर इज व्हाट इनफाइनाइट, आपको मिल ही नहीं सकता कि उसको जोड़ दें तो क्या हो जाए फाइनाइट। तो जेड क्यू आर सी ये चार ऐसे ग्रुप हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में जिसमें केवल एक ही एलिमेंट जीरो है जिसका आर्डर वन है, बाकी किसी का भी आर्डर वन। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर ग्रुप लेट जी बी ए ग्रुप, ध्यान से देखिए हम लोग बाद में बात करेंगे साइक्लिक की तो और क्लियर हो जाएगा। लेट जी बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इतना कह दिया कि लेट जी बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन
इफ जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, वो उसको ऐसे लिख दिया जाएगा आई एन एफ आई एन को. तो लेट जी बी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इफ जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट देन जी हैज मोर देन, क्या हम लोग ऐसे लिखे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज. तो इस जी में फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट, एडिशन की बात है क्योंकि अभी हम लोग साइक्लिक तक नहीं जा रहे हैं. साइक्लिक पढ़ेंगे तो एडिशन को मैं हटा के सोचता हूं. तो करें कि अगर एडिशन की बात की जाए और जी के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे एक छोटा सा नोट के नोट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप. जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मस्ट डिवाइड, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप. तो अगर किसी भी ग्रुप के पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है तो इस बात की गारंटी होगी नहीं ग्रुप भी इनफाइनाइट हो गया, है ना. अगर किसी भी ग्रुप के पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन ये जो है ना ये तब होल्ड कर, ये तब के लिए सही व्हेन जी इज फाइनाइट. अब थोड़ा सा नोट करिएगा कि जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तब हम इसको लगाते हैं, अदरवाइज क्या हुआ, जैसे ऑर्डर ऑफ जी अगर इनफाइनाइट ले लिया और कोई एलिमेंट है इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ये तो है ना, आप कहेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट को डिवाइड करेगा. हाँ, तो ये फाइनाइट ग्रुप के लिए है बट ऑर्डर डिवाइड करेगा. अब यहाँ पे अगर हो गया कि ऑर्डर ही इनफाइनाइट है एलिमेंट का तो क्लियर है कि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा. हालांकि डिवाइड ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि डिविजन किस में लगता है, फाइनाइट एलिमेंट उसमें क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं. इसका मतलब कि ग्रुप इनफाइनाइट है. अब कह रहे कि अगर इनफाइनाइट ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेट जी बी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन if g has an element of order infinite then number of element in g of finite order is. to kare ki g mein finite order ke kitne element honge agar addition mein group hai aur ek element uske paas infinite order hai. to addition ke case mein aap ye payenge ki agar infinite order ka ek bhi element rakhta hai, addition ke case इनफाइनाइट का ऑर्डर का एक भी एलिमेंट रख रहा है तो क्लियर है कि तो ग्रुप इनफाइनाइट हो गया. अब ग्रुप इनफाइनाइट का एडिशन है तो उस केस में जो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा क्यों एक मिलेगा, जैसे जेड में जीरो, क्यू में जीरो, आर में जीरो, सी में जीरो. लेकिन जैसे ऑपरेशन हम लोग बदल देंगे ना, मल्टीप्लीकेशन का कर देंगे, वो चीज बदल जाती है, ठीक है. तो आप थोड़ा सा देखिए जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करें, ये तो रहा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, ए पावर एन करना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी, लेट दिस स्टार इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना. देन ए पावर एन, इफ ए पावर एन इज वन और एन क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसा लिखा गया. तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कैसा, ए पावर एन के और जब वन हो जाए, और ए पावर एन का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट इंटू ए एन टाइम्स दिस इज इक्वल टू वन, तब जाकर ठीक है ना. मिस करें कि मल्टीप्लीकेशन में ए को ए में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें की बना ये बताना. तो अब जो है आप देखिए क्यू स्टार का मतलब है क्यू माइनस जीरो मीन सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स की बात हो रही है.
to set up non-zero rational with respect to multiplication forms group. ये ग्रुप फॉर्म करता है ना, सो की क्लास में बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इरेशनल, सॉरी रैशनल इज नॉन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल इज रैशनल एंड वन इज रैशनल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अगर नॉन जीरो रैशनल है तो उसका इनवर्स भी रैशनल. अब इसकी जो एलिमेंट है वन, तो वन का ऑर्डर क्या होगा, वन. क्यों? क्योंकि सिंस 1 पावर n इज 1 व्हेन n इज व्हाट, 1. n का मान 2 करेंगे तो भी आएगा व्हेन n इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम मींस स्मॉलेस्ट, वी नीड स्मॉलेस्ट. तो इसलिए दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ दिस वन इज 1, आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, चाहे जिस रेफरेंस में हो. एडिशन में है तो 0, उसका ऑर्डर 1 है. मल्टीप्लिकेशन में है तो 1, उसका ऑर्डर 1 है. तो हमेशा ये 1 आएगा, ध्यान रखिएगा. अब जैसे हम लोग बात करें माइनस 1 का, माइनस 1 भी तो इरेशनल है ना. माइनस 1 इज इरेशनल, नॉन जीरो रैशनल. तो माइनस 1 की पावर n, ये आप पढ़िए हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा कि माइनस 1 की पावर ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको करने से बनाया जाएगा 2. इस वाले से या फिर आप ऐसे देखिए कि a में कम से कम कितनी बार, a को a में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए. तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इसका 1, 2 बार. तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2. अब अगर आप 2 को 2 में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, बोलिए. नेचुरल नंबर ना, पावर 2 को 2 में करना है, तो ऐड नहीं करना है. तो 2 को 2 में मींस ये करें कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या करते जाए तो क्या ऐसा होगा कि 1 आएगा, नहीं है ना. मींस आप ऐसे देखिए, इज देयर exist any n belonging to set of natural numbers such that 2 power n is 1, your answer is what? No. जैसे n जब 0 होता तब तो हो जाता है 1, लेकिन हम n तो natural numbers है तो 0 ले नहीं सकते. तो इसका order कितना हुआ, order of minus 2, order of 3 and dot. तो multiplication के केस में देखेंगे कि वो q जो set of रैशनल्स था, ऑल रैशनल्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक एलिमेंट रख रहा था फाइनाइट ऑर्डर का, वही जब नॉन जीरो रैशनल लिया गया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो 2 एलिमेंट हो गए फाइनाइट ऑर्डर का, फाइनाइट ऑर्डर. तो आप लिख सकते हैं कि क्यू विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्यू स्टार मतलब नॉन जीरो, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इज 2, ये 2 एलिमेंट. अब आप R के पास चलिए, तो R के पास चलेंगे तो फिर दोनों मिल जाएंगे, R स्टार, R में R स्टार मल्टीप्लिकेशन है तो R स्टार, R स्टार इज सिंपली R माइनस 0. ठीक है, इसमें आप ऑर्डर ऑफ 1 1 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इज 2, क्योंकि माइनस 1 पावर n करेंगे तो 1 आएगा व्हेन n इज व्हाट 2 4 एंड 6 करते चले जाए. लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए. ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इज 1. तो ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, तो इसके 2 लिखेंगे. 4 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 6 करेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए स्मॉलेस्ट. दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इज 2. अब जैसे कोई अदर आप एलिमेंट उठाते हैं लाइक ऑर्डर ऑफ 2 इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ 3 इनफाइनाइट, इसका मतलब 1 और माइनस 1 को छोड़ दिया जाए
वन और माइनस वन को छोड़ दिया जाए तो आर स्टार में कोई भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसका टर्म क्या हो जाएगा। तो दिस की इज नाइदर प्लस वन नॉर माइनस वन बिलोंगिंग टू आर स्टार। यहां पे आर्डर लगा देते कि आर्डर ऑफ की बिलोंगिंग टू आर स्टार की इज नाइदर प्लस वन नॉर माइनस वन इज व्हाट। इसमें आपने एक ही लाइन में कई चीजें कर दी। पहले आपने कहा कि वो रैशनल नॉन जीरो रियल नंबर, वो नॉन जीरो रियल नंबर जो न तो वन है ना ही माइनस वन है, इसका आर्डर कितना होगा इनफिनिट। तो केवल दो होंगे ऐसे। सिमिलरली आर्डर ऑफ नॉन जीरो दिस के बिलोंगिंग टू क्यू स्टार इज वन इनफिनिट। लेकिन अगर आप सी की बात करें कॉम्प्लेक्स में देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम इस पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता है कि सी स्टार में सी स्टार का ऐसा लगता है कि केवल चार ही एलिमेंट है जिसका आर्डर फाइनाइट है। आर्डर ऑफ माइनस वन टू आएगा ना माइनस वन इंटू माइनस वन। आर्डर ऑफ आई मल्टीप्लीकेशन की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा करें कि आई को आई में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें क्यों ना जाए। टीजीटी में बड़ा तेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई पावर एन। तो आई पावर फोर करेंगे तो इसका माइनस चाहिए। अब चौथा एलिमेंट है इसका माइनस आई, इसका वैल्यू कितना होगा फोर होगा। इसके अलावा भी एलिमेंट जैसे आर्डर ऑफ ई पावर टू पाई आई बाई सेवन क्यों, क्योंकि e पावर 2 पाई i बाई 7 कितना होता है cos 2 पाई बाई 7 प्लस i साइन 2 पाई बाई 7। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो cos 2 पाई का मान कितना होता है 1, cos 2 पाई इज 1 एंड साइन 2 पाई इज 0 when theta lies along real axis means जब उस पे आप चल रहे हैं तो जीरो हो जाता है। तो ये ध्यान से देखिए। अब अगर इसके पावर सेवन कर दिया जाए तो डिवाइस थ्योरम आप लगा देंगे, डिवाइस थ्योरम याद है ना, हम जब लेंगे cos theta plus i sin theta power n is what cos of n theta plus i sin of एक बार। तो जैसे पावर सेविंग करेंगे इस पे क्वेश्चन पूछा गया कई बार प्लस आई साइन टू पाई एंड कास वन प्लस आई इंटू जीरो दिस इज वन तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा सेवन। तो इस तरीके के जितने भी एलिमेंट है ये सभी फाइनाइट आर्डर के। तो सी स्टार डजंट हैव ओनली फोर एलिमेंट ऑफ फाइनाइट आर्डर, इट हैज आल्सो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म ई पावर टू पाई आई बाई एन टाइप एंड इट्स ऑर्डर इज व्हाट दिस इज एन। कब व्हेन दिस जी सी डी ऑफ टू, ये टू जो है टू कॉमन एन इज व्हाट। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। तो ऐसे सारे एलिमेंट जिनका जी सी डी वन आ जाएगा टू अपॉन एन, जी सी डी वन तो समझ रहे हैं ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उन सभी का आर्डर जैसे ये हुआ ई पावर टू पाई आई बाई थ्री, टू और थ्री का जी सी डी कितना है वन, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा थ्री। आर्डर ऑफ ई पावर टू पाई आई बाई फाइव फाइव, बट आर्डर ऑफ e पावर टू पाई आई बाई फोर इज नॉट इक्वल टू फोर, क्योंकि टू और फोर का जी सी डी फोर टू नहीं है, सॉरी वन नहीं है। टू और फोर का जी सी डी कितना है टू, ग्रेटेस्ट कॉमन वैल्यू। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही लिखेंगे कैंसिल होकर टू हो जाएगा आई बाई टू और e पावर आई बाई टू किसकी बराबर बोलिए, e पावर आई बाई टू किसकी बराबर होगा फाइव आई बाई टू इज आई
cos pi by 2 plus I sin pi by 2, है ना। तो अब ये तीसरा रूट नहीं मानूंगा, हमें क्या चाहिए, वन से। तो अब इसमें किसको मल्टीप्लाई करें, मीन्स हम रहे कितना पावर ले जाए, तो इसमें भी सॉरी फोर पावर करेंगे तो आ ही जाए, फोर पावर करेंगे ओके फोर में भी बना जाएगा, तो ऐसी कोई शर्त नहीं। बट डीसीटी जिसका हम देख रहा है उससे क्या हो जाएगा। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे इसका कि कैसे, तो सी स्टार में इन सी स्टार देर आर इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ पाइलेटर, इन सी स्टार देर आर इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, येट सी स्टार इज इनफाइनाइट ग्रुप। तो जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे थे कि अगर इनफाइनाइट एडिशन की केस हो, एक एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का हो, तो उसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एक ही एलिमेंट था, लेकिन सी स्टार के केस में क्या, सी स्टार मल्टीप्लीकेशन में है, दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ एज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट, ठीक है ना, सी स्टार। बट आर स्टार हैज ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, सिमिलरली की स्टार, तो की और आर स्टार के पास क्या होगा, दो होंगे, सी स्टार के पास इनफाइनाइटली मेनी होगा। अब ये क्वेश्चन आप छोटा सा फाइनाइट ग्रुप के लिए देखिए, फाइनाइट ग्रुप कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में आप कैसे लेंगे, तो फाइनाइट में हम लोग बात करेंगे, जैसे जेड फोर की बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडल फोर जैसे। तो अगर मान लीजिए ये जो स्टार है दिया एडिशन मॉडल पी इज नॉट नेसेसरी अप्लाइंग, कि अगर ऐसा हो गया देन ऑर्डर ऑफ पी is the smallest positive integer n such that n into a modulo p is what? Means smallest n such that n को हम मल्टीप्लाई करें और p से भाग देने पे शेष कितना आना चाहिए, शेष से रिमाइंडर है ना, मीन्स स्मॉलेस्ट एन जिसको ए में मल्टीप्लाई करके पी से भाग के डिवाइड करें तो शेष, ये शेष आना चाहिए रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो। और ये जो रिमाइंडर यही क्या आइडेंटिटी है ना, ये रिमाइंडर आएगा इन जेड पी लेकिन एक्चुअल में जीरो क्या आइडेंटिटी है। तो जैसे जेड फोर, अब हम लोग बात करेंगे क्यों कोई बच्चा एक ही साल में पास करता है एग्जाम, कोई दो साल लेता, कोई आपको मैथमेटिक्स सिखाएगा फाइनाइट तरीके से, जिससे आपके पास अटेम्प्ट लिमिटेड है, चार ही अटेम्प्ट है, बट पोटेंशियल चाहिए उतनी। जैसे अगर आप चार साल मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी कीमत सौ रुपए है और आप एक साल में पच्चीस रुपए कमा रहे हैं, तो पच्चीस 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 करेंगे बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा सौ हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक साल में बीस सही किए तो चार साल लग जाएगा तो भी नहीं होता, तो कंसिस्टेंसी, इसीलिए कहा जाता है कि कंपटीशन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कि आप सेम पोटेंशियल, आप किसी से खुद को कंपेयर मत किया, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, आप इस पूरी दुनिया में यूनिक है, ईश्वर ने आपको बड़ी फुर्सत से बना के भेजा, ठीक है ना। तो पहले तो किसी से कंपेयर ही मत करिए कि आप दिखते कैसे हैं, चलते कैसे, बोलते कैसे, बट ऑलवेज ट्राई टू बी स्मार्ट इन एवरी वर्क आप कर रहे हैं, आप जीवन के हर जो जितने भी इसके डायमेंशन है सब में आप स्मार्ट होने की कोशिश करिए, टॉक स्मार्टली, स्लीप स्मार्टली, ड्रिंक स्मार्टली, ईट स्मार्टली, है ना। तो चलिए भी तो लगे कि कोई एक एनर्जी आ रही है ना, जिससे हम नहीं गम चले जा रहे, और भैया हाल चाल नहीं, आप किसी से जाए
उधर ढुलमुला रहे और कुछ ना, और हाल चाल थी। एक बड़ी अच्छी कहावत कहानी हमारे मित्र सुनाते थे, अभी डिप्टी कमांडेंट था ये सब पढ़ रहे थे हम लोग, बोलते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक घर गए दावत खाने, तो बहुत स्वस्थ लोग थे 8 लोग, और एक जो आदमी बहुत बीमार था वो भी साथ में था। तो जिनके घर गए तो उन्होंने पूछा कि जो बीमार जैसे दिख रहे ये कौन है, उन लोगों ने कहा कि हमारे डॉक्टर। ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो J4 इसका एलिमेंट 0, 1, 2, 3 कितने एलिमेंट होंगे। अब अगर हमें इस 0 का ऑर्डर चाहिए तो P यहां पे कितना है 4, तो कह रहे कि वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको 0 में मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे तो 0 आ जाए। अब स्मॉलेस्ट चाहिए, वो छोटा से छोटा नेचुरल नंबर जिसको 0 में मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे तो 0 आ जाए। 1 को करेंगे तो भी होगा, 1 × 0 = 0 एक्शन, 2 × 0 = 0 3 × 0 = 0 बट हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट के केस में 1 आएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट ऑर्डर ऑफ दिस 0 इज 1। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये एक ही आइडेंटिटी इसको मिल गई, एक ही बात, एक ही साल में इसने कंपटीशन क्वालिफाई किया। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 1 इन J4, इसको ऐसे सोचिए कि J4 में, छोड़िए सब तो लिखा गया, J4 में 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़े कि 4 से भाग देने पे शेष 0 बचता है। 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़े कि 4 से भाग देने पे शेष 0 बचता है, कितनी बार जोड़े 4 बार। 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़े, जैसे 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 बार ये लिखा जाता है सिंपल, और जैसे 4वीं बार जोड़ेंगे कितना जाएगा 0। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1 in J4 4। अब ये जो 1 है आइडेंटिटी आने में कितना समय लग गया इसको, 4 ना, इसका ऑर्डर 4 है। ऑर्डर ऑफ 2 को 2 में, क्योंकि देखिए 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जुड़े कि 4 से भाग देने पे 0 आए, तो 4 के मल्टीपल में आएगा तभी तो भाग देने पे 0 आएगा ना, 4 के मल्टीपल में आएगा तभी तो 4 से भाग देने पे 0 आएगा, और 4 के मल्टीपल में 1 को लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें पॉजिटिव चाहिए, 0 तो हम ले नहीं सकते कि 0 × 1 कर दिया, 0 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। रिमाइंडर की बात करते हैं, तो 2 को 2 में कम से कम कितनी बार जोड़े, दो बार मीन्स 2 + 2 4 आ गया, इसको 4 से भाग दे तो शेष कितना बचा 0, दे 0 आइडेंटिटी जो है यहाँ रही है। अब 3 को 3 में कम से कम कितनी बार जोड़े कि 4 से भाग दे तो शेष 0 बच जाए, 4। टेबल पढ़िए आप, दोनों का टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए, 4 का टेबल, तो 3 × 4 = 12 4 × 12 डिवाइड कर दिया, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा 4। तो इसमें इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। अब आप दूसरा देखिए, इसीलिए कहा जाता है अब 3 4 साल कंसिस्टेंट मेहनत करेगा तो आइडेंटिफाई। अब आप आइए J6 में, थोड़ा सा देखिए, एडिशन मार्क 4 चल रहा है ना, ये एडिशन मार्क 6 है, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसमें जो 0 है इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि वही तो आइडेंटिटी है 1। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1 in J6 J6 में 1 का ऑर्डर क्या होगा 6। तो क्या करना है कि 1 का टेबल पढ़ना, 6 से डिवाइड करना, तो 6 का टेबल पढ़, 6 × 6 = 1 तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 6। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 2 3 × 6 = 6 व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3 3 3 व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 4 छोटा कम से कम और पढ़ 3 और 3 और पढ़ लिया 3
व्हाट इज आर्डर ऑफ फाइव सिक्स बस ये पकड़ में आ रहा है कैसे निकालना है इसका आर्डर. तो इसका आर्डर और इसका अगर साइड रख लेंगे तो और भी आसान हो जाता है, बट अब पहले ऐसे निकालना.